नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की हमारी सेकेंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के 6th चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट को पढ़ेंगे। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, सो साथ के साथ नोट्स बनाकर चलना ताकि ये चैप्टर आपको पॉइंट वाइज क्लियर होता रहे। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम ही हमें क्लियर कर देता है इस पूरे चैप्टर के बारे में कि स्वतंत्रता के बाद हमने किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना की और आज एक ये सिचुएशन आकर खड़ी हुई कि उस लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर भी संकट क्रिएट होने लगा। और ये संकट कहाँ तक बढ़ा कि हमारे देश में आपातकाल लगाने की तक की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। 1971 के बाद कांग्रेस का जो नया युग था उसका प्रारंभ हुआ, एक तरह से नए युग का प्रारंभ हुआ था 1971 के बाद। हमने लास्ट चैप्टर में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और ये अंतर 1973 से 75 का समय था, ये वाला जो समय था इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे से देखा जा सकता था। ये बदलाव देश में इस काल के जो आपातकाल है उसके रूप में देखने को मिले कि 1971 के बाद से इलेक्शंस जब कांग्रेस ने जीत लिए उसके बाद से एक नई कांग्रेस देखने को मिली। 1973 और 75 में वो नई कांग्रेस का नया रूप हमें देखने को मिला जो कि आपातकाल के रूप में हमें देखने को मिला था। 1967 के जो लोकसभा चुनाव थे उसके बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो एक बहुत ज़्यादा जनता के नेता के रूप में उभर कर सामने आई थी। और इस समय जितने भी दल थे उनके मध्य प्रतिस्पर्धा भी थी, अपने चरम पर थी। जितने भी विरोधी दल थे, हमारी कांग्रेस की अपोजिशन पार्टीज थी जितनी भी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। और सरकार का किस किस के साथ सरकार और न्यायपालिका के मध्य भी मतभेद उत्पन्न होने लगा था। आगे आगे जैसे हम इस चैप्टर को और डीपली पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने न्यायपालिका के सामने भी किस किस तरह की सिचुएशंस रखी और इन दोनों में किस तरह से मतभेद उत्पन्न हुए। आगे के पॉइंट्स में हम देखेंगे कि सरकार का क्या मानना था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो गरीबों के हक में जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट और गरीबों के हक में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके बीच में आने की कोशिश कर रही है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ये किसकी कंप्लेंट थी? ये सरकार का ऐसा मानना था। और जो विपक्षी दल थे उनका मानना था कि राजनीति को जो है बहुत ज़्यादा पर्सनल फेस बनाने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस की टूट हुई थी, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के रूप में कांग्रेस की टूट हुई। और यही टूट के कारण इंदिरा गांधी और जो विरोधी थे, जितने भी हमारे विपक्षी दल के नेता थे, उनके बीच में जो विरोध थे और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो उस समय में आर्थिक संदर्भ कैसे थे, हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी कंट्री की वो कैसी थी? तो इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया और इसी के थ्रू वो इस टाइम के इलेक्शंस भी जीत पाई थी। और ये नारा देने के बावजूद भी 71 और 72 का जो समय था उसमें देश की फाइनेंशियल सिचुएशन यानी कि जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब ही होती जा रही थी। क्योंकि 1971 में हम सभी जानते हैं हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध फेस किया, उस टाइम पे बांग्लादेश को बचाना था, वो बांग्लादेश संकट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो और भी ज़्यादा बुरी हो गई। और 71 का युद्ध हुआ तो क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ हुआ था तो अमेरिका ने भी उस टाइम पर भारत की कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की, कोई भी आर्थिक मदद करना उन्होंने बंद कर दिया। तो 71 तक तो फिर भी नॉर्मल था, 73 तक सिचुएशन कैसी हो गई कि जितने भी वस्तुओं के दाम थे वो 23% और 1974 में वही दाम 30% तक बढ़ गए। तो मतलब जितनी भी वस्तुएं थी उनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। आगे हम पढ़ेंगे कि 1972 और 73 में मॉनसून किस तरह का रहा और ये किस तरह से हमारी फाइनेंशियल जितने भी सपोर्ट्स हैं उसको और भी ज़्यादा कमज़ोर करता जा रहा था। मॉनसून असफल रहा, औद्योगिक विकास धीमा हो गया और ग्रामीण इलाके जितने भी थे वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई। जितने भी खर्चे कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन बंद कर दिए। तो यहाँ इस टाइम पे इस सिचुएशन से आप समझ सकते हो कि देश की जनता पर भी कितना ज़्यादा बर्डन था हमारी आर्थिक जो मंदी उस टाइम पर चल रही थी उस दौर का। खाद्यान्न का जो उत्पादन था 8% तक कम हो गया, मतलब अब लोगों के घर में खाना नहीं पहुंच रहा है, तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। इसके चलते जितनी भी विरोधी पार्टी थी, जितना भी ओपोजिशन था, उनका स्वर ऊँचा हो गया, उनको अपनी
पार्टी के पक्ष में बोलने का मौका मिल गया। और 1960 का जो दौरान है उस टाइम पे छात्रों द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वो अब 1971 ये जितना भी 70s का एरिया है उस एरा में जाकर ये और भी ज़्यादा प्रबल हो गया। और ऐसे में जो मार्क्सवादी समूह थी उनकी सक्रियता भी बढ़ गई, जो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। और इसके समय में जितने भी नक्सलवादी समूह हैं इनको आज के समय में इन मार्क्सवादी समूहों को नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है। और ये नक्सलवादी समूह आज के समय पे कहाँ एक्टिव है और पहले भी कहाँ एक्टिव थे, ये पश्चिम बंगाल वाला जितना भी रीजन होता है वहाँ पर ये वाला समूह एक्टिव था। तो ये आंदोलन जो हमने सुना इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई पहले, ये अभी आंदोलन हमने पढ़ा कि एक छात्रों द्वारा एक विरोध आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो ये विरोध आंदोलन सबसे पहले शुरू कहाँ पर हुआ, तो ये गुजरात और बिहार इन रीजन्स में पहले इनकी शुरुआत हुई, क्योंकि गुजरात और बिहार में कांग्रेस सरकार पहले से ही थी। और जनवरी 1974 में गुजरात के जो छात्र हैं उन्होंने जितनी भी बेरोजगारी बढ़ रही थी, जितनी भी सिचुएशन हमने अभी देखी यहाँ पर, इस सिचुएशन के अगेंस्ट में जाकर इन स्टूडेंट्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। और जितना भी व्याप्त भ्रष्टाचार था सरकार में, ये सारा जो चीज़ें हैं इसके अगेंस्ट जाकर स्टूडेंट्स ने अपना एक विकराल आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद गुजरात में क्या करना पड़ा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा ही सारी देखरेख उस राज्य में की जाने लगी। इसमें हम आगे देखेंगे कि राज्य विधानसभा में जो है अभी जो हमने राज्य देखा गुजरात में, यहाँ पर दोबारा से चुनाव कराने की मांग की गई। और इसको पुराने जो कांग्रेस के नेता थे मोरारजी देसाई जी, उन्होंने इसका समर्थन किया और कहा कि हम अनिश्चितकाल तक भू हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर नई कांग्रेस के अगेंस्ट ये सब चीज़ें हो रही थी। और छात्रों का जो आंदोलन था उसमें शरीक होने के लिए किसको बुलाया गया, पूर्व राजनीतिज्ञ और तत्कालीन सामाजिक कार्यकर्ता जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, और इनको बुलाया गया अपने नेतृत्व के लिए सभी स्टूडेंट्स ने कि आओ और हमारा जो ये आंदोलन है इसको नेतृत्व प्रदान करो। जेपी नारायण की क्या शर्त थी इसके लिए कि आंदोलन जो होगा वो हिंसक नहीं होगा, अहिंसक रहेगा और ये सिर्फ बिहार राज्य तक सीमित नहीं होगा, तो अदर स्टेट्स तक भी उनको इस मोर्चे को, इस आंदोलन को लेकर जाना था। बिहार में क्या मांग उठने लगी कि कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और सरकार से इस्तीफे की बात करने की यहाँ पर बात शुरू हो गई, लेकिन सरकार ने अपना डिसीजन क्लियर कर दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। आंदोलन जो था देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगा और जितने भी रेल कर्मचारी थे उस टाइम पर अपनी उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। तो ये वो वाला समय था जहाँ पर भारतीय रेल किसी भी तरह का कोई काम नहीं करती थी। 1971 के बाद ये आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक हो गए, जितने भी रोज़मर्रा के कार्य थे, जैसे रेलवे कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले गए तो बहुत सारी चीज़ें इन सब चीज़ों की वजह से खतरे में आ गई और बहुत सारे काम ठप पड़ने लग गए। देश की राजधानी में यानी कि दिल्ली में जेपी नारायण ने संसद तक मार्च निकाला और उसके बाद विपक्षी जो अन्य नेता थे उनका भी उनको समर्थन मिलने लगा। क्यों समर्थन मिलने लगा, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ये आंदोलन था। अब ये जो आंदोलन था इसकी वजह से जेपी नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में कि अब वो भी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इस तरह के विकल्प के रूप में उनको देखा जाने लगा। ये आंदोलन किसके खिलाफ था, सिर्फ इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ था, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ नहीं था, ये इंदिरा गांधी की नीतियों और उनके नेतृत्व के खिलाफ ये आंदोलन चलाया जा रहा था। कहाँ पर, बिहार में, और ये आगे चलकर दूसरे राज्यों में भी फैला। अब ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस चैप्टर का कि न्यायपालिका से संघर्ष, तो गवर्नमेंट का न्यायालय के साथ जो है संघर्ष इस सिचुएशन में, इस एरा में शुरू हुआ, जिसके बाद आपातकाल की घोषणा गवर्नमेंट के थ्रू की गई। इस सेकेंड पॉइंट में हम समझेंगे कि ए एन रे की नियुक्ति जो थी सबसे बड़ा बवाल क्रिएट करने वाली नियुक्ति हुई। इस नियुक्ति में क्या कहा गया कि गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने भी हमारे देश के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जितने भी वकील हैं, जो ज़्यादा सीनियर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, उनको इग्नोर करके ये वाली नियुक्ति की है। किसकी, ए एन रे की नियुक्ति की है। और इसको क्या कहा गया, राजनीतिक और संविधान की व्याख्या का टकराव कहा गया कि एक तरफ तो राजनीतिक विचार है, दूसरी तरफ हमारा संविधान है, तो इन दोनों के बीच में टकराव की सिचुएशन देखने को मिली। जितने भी प्रधानमंत्री के पक्षधर थे उनका क्या मानना था कि जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था मतलब संविधान है,
उसको सरकार के अनुकूल आचरण करना चाहिए। तो ये अब आप डिसाइड करेंगे क्या ये पॉइंट सही है या गलत है। न्यायालय का जो इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करना था, न्यायालय ने कहा कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका निर्वाचन ही अवैध है। तो इस संघर्ष को यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा चरम बिंदु कहा जा सकता है, जिसके बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अब हुआ आपातकाल की घोषणा, जगमोहन सिंह इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने क्या किया, 12 जून 1975 को उन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को ही अवैध करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर पद पर वो अब नहीं रह सकती। तो इस फैसले का मतलब क्या था कि अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर कायम नहीं रहेंगी और 6 महीने तक दोबारा संसद के लिए निर्वाचित भी नहीं हो सकती। मतलब अब उनको अपना प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना था और आने वाला जो 6 महीने थे वो संसद के में दोबारा से निर्वाचित भी नहीं हो सकती थी। मतलब एक तरह से उनकी पॉलिटिकल लाइफ 6 महीने के लिए ख़त्म कर दी गई थी। संकट और सरकार का फैसला, अब इस संकट में जो गवर्नमेंट पे संकट आया एकदम से, उस पर सरकार का क्या फैसला था। तो जेपी नारायण की अगुवाई में विपक्ष ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करी, क्योंकि जेपी नारायण द्वारा तो एक आंदोलन ऑलरेडी बिहार में चल ही रहा था और वो बिहार तक ना रहकर और राज्यों में भी शुरू हो चुका था। उनकी अगुवाई में विपक्ष ने भी इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों ने प्रदर्शन किया, जो ये अब तक बिहार तक थे जेपी नारायण, इन सब ने मिलकर विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसके बाद सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके, जो पुलिस सेना के अधिकारी हैं, सरकार के जितने भी आदेश हैं उनको पालन ना करने के लिए कहा गया। सरकार का कोई भी पालन, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर वो पालन नहीं किया करेगा। इससे सरकारी कार्य जो थे वो ठप होने की बात होने लगी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आदेश आएगा तो वो साफ के साफ मना कर दिया जाएगा। तो यही सारी गतिविधियां थी और इन्हीं सब रीजंस की वजह से 25 जून 1975 के दिन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और क्या कहा गया सरकार की ओर से कि जो बड़े स्तर पर गड़बड़ी है उसकी आशंका देश में जताई जा रही है कि देश का माहौल सही नहीं है और बड़े स्तर पर गड़बड़ी का माहौल देश में बना हुआ है। और ये किस अनुच्छेद के दौरान किया गया, संविधान का अनुच्छेद 352 लागू देश में कर दिया गया। तो सरकार ने ये हवाला दिया कि देश की स्थिति अभी संकट में है और संकट की घड़ी देश पर आ गई है और इसलिए आपातकाल, ये सफाई देते हुए सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। सारी शक्तियाँ इस समय पर क्या हो जाता है, केंद्र के हाथ में चली जाती है, ये सब हम जानते हैं। और सरकार क्या करती है इस टाइम पर, सरकार अगर चाहे तो नागरिकों के जितने भी मौलिक अधिकार नागरिकों को संविधान के थ्रू दिए गए होते हैं, इस टाइम पर कोई भी मौलिक अधिकार वो हमसे छीन सकती है। ये कब लगाया गया, 25 जून 1975 की आधी रात को किसने डिक्लेयर किया, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, मतलब ये तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे देश के और इन्होंने ही हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इसके बाद क्या किया गया, जितने भी अखबार जहाँ पर छपाई होती है अखबारों की वहाँ पर बिजली काट दी गई और जितने भी विपक्षी नेता थे, विरोधी दल के जितने भी नेता थे बड़े या छोटे, उन सभी को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ, देखने को क्या मिला, सरकार ने क्या किया, अपना जितनी भी प्रेस थी उस पर सेंसरशिप लगा दी कि प्रेस अब कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह की पोस्ट पब्लिश नहीं कर सकती अपने न्यूज़पेपर में या किसी भी तरह की पोस्ट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो नहीं छापी जाएगी। सभी विरोधी आंदोलन बंद करा दिए गए, मतलब जो बिहार में आंदोलन चल रहा था, जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, जेपी नारायण के अंडर में जो आंदोलन चल रहा था, वो सारे आंदोलन अब बंद हो गए। राजनीतिक माहौल, और ये माहौल कैसा था, तनाव और सन्नाटे वाला माहौल था। किस किस को, RSS और इस्लामी जमात, इन सब चीज़ों पर, जितने भी संगठन थे, संस्थाएं थी, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिए गए। मतलब आप कोई भी काम अब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, जितने भी मौलिक अधिकार थे उन पर रोक लगा दी गई। एक तरह से लोगों को अपने देश के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अब अगर हम चाहें तो अपने किसी भी राइट को पाने के लिए किसी भी न्यायालय का भी दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। हमारे पास किसी भी चीज़ का राइट अब रह नहीं गया था। इन पॉइंट्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपातकाल के दौरान क्या क्या गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लोगों पर लगा दी। अभी हमने आगे भी पढ़ा, हालांकि निवारक नज़रबंदी सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर हुई। निवारक नज़रबंदी क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उसी के घर के अंदर ही उसी की पुलिस की देखरेख में बंद कर दिया गया। तो बड़े लेवल पर लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको रीजंस भी नहीं बताए गए कि उनको किस रीजन से अरेस्ट किया जा रहा है।
और प्रत्यक्षीकरण याचिका भी स्वीकार करने वाले जो फैसले थे, जो प्रत्यक्षीकरण याचिका का फैसला था उसको भी उलट दिया गया। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, ये दो पत्रिकाएं थी जिनको प्रेस सेंसरशिप का इन्होंने विरोध किया, और सेमिनार और मेनस्ट्रीम, इन्होंने आपातकाल की सामने झुकने की बजाय खुद को बंद कर लिया कि हम अपना प्रोडक्शन ही हम बंद कर देंगे। और पद्म भूषण से सम्मानित हमारे हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु और कन्नड़ के लेखक, उन्होंने भी अपनी अपनी पदवियां जो थी, पद्म भूषण का जो सम्मान था, इन्होंने लौटा दिया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कौन सा अपना पदक लौटाया, तो वो था पद्म भूषण। इन्होंने अपनी ये पदवियां वापस कर दी गवर्नमेंट को कि हमें ऐसे देश की कोई भी पदवी नहीं चाहिए जहां पर हम अपने राइट्स नहीं यूज कर सकते हैं। आपातकाल से सबक, आपातकाल लग गया, लोगों ने जो भी चीजें झेली इस टाइम पर, अब इससे सबक क्या मिला? आपातकाल के द्वारा भारतीय लोकतंत्र की कमियां और विशेषताओं का पता चला। ये पता चला कि गवर्नमेंट के हाथ में सारे राइट्स चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां भी हमें इसके थ्रू पता चली, जो आपातकाल के प्रावधानों में संशोधन का कारण बना। तो आपातकाल लगा, उससे सबक लिए गए, और लेकिन अब आपातकाल के जितने भी संशोधन थे हमारे संविधान में वो किए गए कि आपातकाल के थ्रू ये चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए, ये वाली चीज़ें चेंज होनी चाहिए, ये सही चीज़ें नहीं हुई, ये सही चीज़ें नहीं हुई। तो ये सारे संशोधन इस आपातकाल के डिसीजन के बाद लिए। हालांकि उसके बाद देश में एक बार भी आपातकाल नहीं लगा है इतने बड़े लेवल पर, मतलब पूरे देश में आपातकाल अब तक नहीं लगा है। भारत का जो लोकतंत्र है उसने आपातकाल से ये सबक लिया कि भारत में लोकतंत्र की समाप्ति मुश्किल है, कि कुछ भी हो जाए बड़े लेवल पर, चाहे आपातकाल लग जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन भारत से लोकतंत्र समाप्त नहीं हो सकता। प्रावधानों में सुधार कर आपातकाल को केवल आंतरिक गड़बड़ी और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाने की घोषणा की गई। फिर इसके बाद क्या डिसाइड किया गया कि अगर बहुत बड़े लेवल पर देखा जाता है देश में कि आंतरिक गड़बड़ी हो रही है और देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, मतलब देश के अंदर ही लोग एक दूसरे के साथ सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं, तो ये इस तरह की आंतरिक गड़बड़ियों के चलते और सशस्त्र विद्रोह के चलते ही देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। और एक थर्ड होता है आर्थिक आपातकाल, जो कि एक डिफरेंट सिचुएशन में लगता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको सक्रिय तौर पर भूमिका निभानी शुरू कर दी, क्योंकि आपातकाल जब लगा तो जितने भी हमारी न्यायिक अधिकार थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो अब आगे के लिए इस पर ध्यान दिया जाने लगा और जितने भी नागरिकों की रक्षा है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी। जितने भी विरोधी पक्ष के बीच उत्पन्न तनाव थे, तो यहाँ पे हमें ये भी समझ आया कि विरोधी पक्ष के बीच जो तनाव थे उसको कैसे कम किया जाए, और क्या आम नागरिकों को ऐसे विरोधों में शामिल होना चाहिए, क्या राजनीतिक पक्ष किसी नागरिक को लेना चाहिए या नहीं, इस तरह की सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए, कैसे किसी चीज़ को सीमांकित किया जाए, इन सब चीज़ों पर डिसीजन लिए गए। अब एक बार इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि ऐसा कहा गया, आपातकाल के दौरान पुलिस और प्रशासन ने सरकार के दबाव में कार्रवाई की। ऐसा माना जाने लगा कि जो सरकार है वो कर्मचारियों को अपने औजारों के रूप में प्रयोग करती है। तो यहाँ से भी हमने ये सबक लिया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, बट उनके लिए काम नहीं करते हैं। वो काम तो बेसिकली देश के नागरिकों के लिए ही कर रहे हैं, तो सरकार को कोई हक नहीं बनता उनको एक औजार के रूप में यूज़ करने का। शाह आयोग, तो शाह आयोग की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश थे जे सी शाह, उनकी अध्यक्षता में जनता पार्टी ने 1973 में शाह आयोग गठन किया गया। और इसके थ्रू, इस आयोग के थ्रू क्या पता लगाया गया कि जितना भी आपातकाल के दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, सरकार ने जितने भी अत्याचार करे उसका एक उसकी एक निष्पक्ष जाँच की जानी चाहिए। जितने भी लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसका एक ब्यौरा हमारे पास, एक निश्चित ब्यौरा हमारे पास होना चाहिए। उसी रीजन से जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की स्थापना की थी। किस वर्ष की गई है? 1977 में। आपातकाल के बाद राजनीति। अब आपातकाल लग गया, आपातकाल हट गया, इससे सबक सीख लिए, शाह आयोग का गठन हो गया। अब इसके बाद की राजनीति कैसी रही? क्या अगेन कांग्रेस सत्ता में आई? तो ये सारी चीजें इस पॉइंट में हम समझेंगे। आपातकाल के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, और हम सभी जानते हैं जिसमें जनमत ने आपातकाल का अपना अनुभव चुनाव में बयान किया, मतलब वो दुख उनके
चुनाव के थ्रू देखने को मिला। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया कि आपातकाल के थ्रू देश का जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं संकट में आ गया। तो विपक्ष ने इस बात का फायदा उठाते हुए लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया और 75 से 77 की जो बीच की गतिविधियां थी उसने भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाया। मतलब भले ही हमारे देश में आपातकाल लगा लेकिन लोकतंत्र फिर भी हमारे देश में उसी तरह से आज भी बरकरार है। लोकसभा के चुनाव हुए 1977 जनवरी में और ये कितने समय बाद हुए, 18 महीने बाद, मतलब आपातकाल लगने के 18 महीने बाद जो चुनाव थे वो कराए गए। आपातकाल की समाप्ति और मार्च में चुनाव खत्म होने के बाद जेल में बंद राजनीतिक जितने भी कार्यकर्ता थे उनको रिहा कर दिया गया क्योंकि उन्हें भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना था। चुनावों की घोषणा पर राजनीतिक दलों ने एक दल बनाया जिनका नाम क्या रखा गया, जनता पार्टी रखा गया। इसका नेतृत्व किसने किया, जेपी नारायण ने, जो कि सोशलिस्ट थे एक बहुत बड़े, और अब उन्होंने एक पार्टी बनाई और इसका नेतृत्व भी किया। कांग्रेस के अलग हुए नेता कौन थे, बाबू जगजीवन राम ने एक कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी बनाई कांग्रेस से अलग होकर, और ये पार्टी भी आगे जाकर जनता दल में शामिल हो गई, जनता दल जो भी यहाँ पे बना था। तो ये दो तीन पार्टियों का एक गठबंधन बना और एक नई विरोधी के रूप में, कांग्रेस का एक नई विरोधी का जन्म हुआ, किसके रूप में, जनता दल के रूप में। लोकसभा चुनाव हुए 1977 में, रिजल्ट भी आया, कांग्रेस इसमें हारी भी, और कितनी सीटें मिली, 154 सीटें मिली, 35% वोट ही ये जो पार्टी है वो हासिल कर पाई। कौन जीता यहाँ पर, जनता पार्टी और इसके जो अन्य सहयोगी दल थे उनको, दोनों को 330 सीटें मिली जिसमें सिर्फ जनता पार्टी को 295 सीटों का बहुमत हासिल हुआ था। कहाँ कहाँ हारी कांग्रेस, मध्यम और उत्तर भारत में ये सफल नहीं हो पाई थी। कांग्रेस पूरे भारत में चुनाव नहीं हारी थी क्योंकि यहाँ पर इस इन रीजन्स में ज़्यादा मेजोरिटी हारी थी, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, ये जो राज्य थे यहाँ पर कांग्रेस की कुछ सीटें जो थी वो उनको मिली थी। यूपी में हारी थी, इंदिरा गांधी रायबरेली में हारी थी, और अमेठी में कौन हारे थे, संजय गांधी, ये यहाँ पर इलेक्शंस दोनों हार गए थे। जनता सरकार, अभी जो नई सरकार आई विरुद्ध कांग्रेस की विरोधी जो सरकार थी उसका क्या रिजल्ट रहा, चुनावी नतीजों के बाद जनता पार्टी ने सरकार बनानी शुरू करी। जेपी नारायण इसके अहम थे, इन्होंने इस पार्टी का नेतृत्व भी किया था, और प्रधानमंत्री पद के लिए किसको देखा गया, मोरारजी देसाई को चुना गया, जिसके बाद पार्टी में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्यों, क्योंकि कहा जा रहा था कि जेपी नारायण जो है प्राइम मिनिस्टर का रूप हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। पार्टी में आपसी मतभेद के कारण सिर्फ 18 महीने के बाद ही इस पार्टी का विभाजन हो गया, और बहुमत ना मिलने के कारण जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उसको गिरना पड़ा, वो गिरा दी गई। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन में फिर सरकार बनाई और 4 महीने के बाद ये सरकार भी जो है कांग्रेस का समर्थन वापस ले लेने की वजह से गिर गई। तो मतलब देखा गया कि आपातकाल के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए उसके बाद ज़्यादा टाइम तक सरकारें टिक नहीं पाई। 1980 के बाद मतलब इस टाइम पे दोबारा से चुनाव हुए और कांग्रेस बहुमत से जीत गई, अगेन कांग्रेस सत्ता में आ गई, 353 सीटें जीती कांग्रेस ने, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार बन गई। 1977 के बाद पिछड़े वर्गों और वर्गों के जितने भी मुद्दे थे उसमें उनको ध्यान में रखकर इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा बहुत ज़्यादा फेमस इस टाइम पर हुआ। ये सब चीज़ें कब हुई, 1971 और 1975 के आपातकाल घोषणा के बाद ये सारी चीज़ें हुई, यानी कि 1977 में ये सारी चीज़ें हुई। विरासत, अब इसके थ्रू हम समझेंगे कि हमें आपातकाल के बाद इलेक्शंस हुए और उसके बाद से किस किस तरह के बदलाव देखने को मिले। 1977 और 80 का जो टाइम था उसमें दलगत प्रणाली हुई, मतलब बहुत सारे दलों की सरकारें आई और गई, ये सारी चीज़ें हुई। 69 के बाद कांग्रेस जो भी तरह की विचारधारा थी उसको अपने अंतर्गत समाहित करती थी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ऐसी गवर्नमेंट थी जिसमें हर तरह के लोग थे, हर विचारधारा के लोग थे, और इस तरह के लोगों को कांग्रेस ने अपने साथ हमेशा से जोड़े हुआ था, और यही रीज़न था कि कांग्रेस जो थी इंदिरा गांधी के भरोसे ही ये आगे भी लोकप्रिय हो रही थी। कांग्रेस ने अब स्वयं को गरीब के सहायक के रूप में प्रस्तुत किया, कब के बाद, ये सारी चीज़ें आपातकाल के बाद हुई। विपक्षी दलों ने खुद को गैर कांग्रेसवाद की ओर अग्रसर करना शुरू कर दिया और इसका नतीजा उन्हें
77 का जो इलेक्शन था उसमें देखने को मिला, मतलब कोई भी गवर्नमेंट टिक ही नहीं पाई ज़्यादा टाइम के लिए। एक गवर्नमेंट 18 महीने में ढह गई और एक 4 महीने के अंतर्गत ही सरकार गिर गई। आपातकाल के बाद जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ उससे जनता की भूमिका लोकतंत्र में क्या है, ये क्वेश्चन मार्क बन गया कि अब जनता का काम ही क्या रह गया है। इसके साथ जितनी भी दलीय प्रणाली थी उसमें जनता की जो आकांक्षाएं थी वो पूरी तरह से विफल रही। मतलब हम मोटा तौर पर ये समझ सकते हैं कि 1975 के बाद, आपातकाल लगने के बाद, कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो खतरे में दिखाई देने लगा और लोकतंत्र में जो जनता की भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में आ गई और ये ओवरऑल हमारे लोकतंत्र को ही क्वेश्चन करने लगा। राजनीतिक दलों ने अंदर के जो बदलाव थे उसको आपातकाल के जो दौरान है वो सारी चीज़ें साफ तौर पर देखने को मिली। पिछड़ी जातियों के जो नेता थे इन्होंने पार्टी की संरचना में अहम भूमिका निभाई। मतलब पिछड़ी जो जातियां थी उनके नेताओं ने आगे आकर लोकतंत्र के लिए नई पार्टियों की नींव जो है रखना शुरू करा। तो इस चैप्टर में इतना ही फ्रेंड्स, और उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर ज़्यादा क्लियर हो पाया होगा इन नोट्स के थ्रू। और अगर आप भी इसी तरह के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट parikshapoint.com पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।